ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली से, जहां पर शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता है और शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में लाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, इतने दिनों तक शाहजहां शेख कहां पर था ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बशीरहाट कोर्ट ले जाते हुए शाहजहां शेख को आप देख सकते हैं। ममता सरकार का उसको संरक्षण मिला हुआ था और अब कई राज खोलेगा शाहजहां शेख। ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं और 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार होता है। न्यूज 18 इंडिया नहीं, सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी और अब शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया। शाहजहां शेख की गुंडाई आपने देखी, उसका रसूख आपने देखा, सरकार का संरक्षण उसको मिला हुआ था और 55 दिनों में उसका सिरमौर कौन था, कहां वो छिपा हुआ था, कई राज अब वो उगलेगा और जांच की सुई कई और लोगों तक भी पहुंचेगी, सफेदपोश लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा शाहजहां शेख को सरेंडर करना चाहिए, उसके बाद सियासत तेज होती है। बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और उत्तर 24 परगना से शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। 55 दिनों के बाद लुका छुपी का खेल चलता है। पहले खबरें ये थी कि शाहजहां शेख कहीं बांग्लादेश तो नहीं भागा होगा, और कैसे महिलाएं सामने आती हैं अपनी आप बीती बताती है। शाहजहां शेख पर तो आरोप लगता है, उसके करीबियों पर लगता है, कैसे वो धमकाता है, महिलाओं को बुलाता था, यौन उत्पीड़न की अनेकों महिलाओं की कहानियां वहां पर देखी, महिलाएं रो रही थी, कैसे शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी को बदतर बनाया, ये सब ने बताया। लेकिन अब शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में ले जाया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी, क्योंकि एक लंबी फेरिस्ट है। इससे पहले हमने देखा था कि ईडी की टीम पर हमला होता है, जब शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम पहुंचती है, उसके गुंडे ईडी के अधिकारियों पर हमला करते हैं, उसके बाद वहां पर कैसे महिलाएं आगे आती है, सियासत होती है, सवाल पूछे जाते हैं, शाहजहां शेख का लगातार बचाव होता है, लेकिन आखिरकार वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर शाहजहां शेख की आप देख लीजिए, न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ एक इशारा किया, उसने कुछ बोला नहीं। शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी, वो गिरफ्तार हुआ है उत्तर 24 परगना से। शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ है, टीएमसी का नेता। जब ममता बनर्जी विधानसभा में कहती है कि शाहजहां शेख को फंसाया जा रहा है, एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री जिन पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े होते हैं, और संदेश खाली में जहां पर शाहजहां शेख ने लोगों की जमीन हड़पी, महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, उसके गुंडों ने, उसके करीबियों ने वहां पर लोगों का जीना मुहाल किया, उसके बाद कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और अब बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी हो रही है। कहां कहां तक उसके तार फैले हुए हैं, गुनाहों की लंबी फेरिस्ट है, लिस्ट तैयार है सवालों की, जिनसे अब शाहजहां शेख का आमना सामना होगा कि कैसे वो बचता रहा, आखिरकार इतने दिनों तक कौन वो लोग थे जो उसको संरक्षण देते रहे, कौन वो लोग थे जो पुलिस को चकमा देने में उसकी मदद करते रहे। हालांकि वो कोर्ट से गुहार लगाता रहा कि उसको जमानत मिल जाए शाहजहां शेख को, लेकिन संदेश खाली, संदेश खाली। पश्चिम बंगाल की वो जगह जिसका दर्द, जहां की महिलाओं का दर्द, उनकी कहानियां, उनकी उत्पीड़न की कहानियां पूरे देश ने देखी, और फिर हमने देखा कि शाहजहां शेख पर जब शिकंजा कसता है तो वो फरार हो जाता है, बचता है। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर आप सामने क्यों नहीं आए। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, संदेश खाली में जश्न है, ये खुशी है, ये इंतजार लंबा है, क्योंकि 55 दिनों तक तो वो छुपा हुआ रहा, उससे पहले तो वो खुलेआम घूम रहा था शाहजहां शेख, और जब उसके काले कारनामों का सच दुनिया के सामने आया तो उसके बाद वो छिप गया। और महिलाएं देखिए, क्योंकि सिर्फ 55 दिनों का इंतजार नहीं है महिलाओं के लिए, तो ये उनके चेहरे की जो खुशी है वो स्वतंत्रता की भी खुशी है, क्योंकि उसकी जो जमीनें हड़पी गई है, कैसे वहां पर जबरदस्ती जमीनें हड़पी गई, वहां पर धमकाया जाता था, रात के वक्त महिलाओं को बुलाया जाता था, दफ्तर में बुलाया जाता था शाहजहां शेख के, तो ऐसे में हमने देखा कि महिलाओं ने वहां पर आगे आई, आगजनी की वहां पर घटनाएं होती है, टीएमसी नेता की पिटाई होती है, और कैसे अब महिलाएं खुश हैं, नारेबाजी कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जिसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण था और वो ऐसे काले कारनामों को अंजाम देता था। पहले हाईकोर्ट फटकार लगाते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं
कि शाहजहां शेख को आत्मसमर्पण करना चाहिए और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी ममता सरकार को लेकर के भी की थी, अब आखिरकार उत्तर 24 परगना से संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। सुबह उसकी गिरफ्तारी होती है, आप ये समझिए 55 दिन लगभग 2 महीने का वक्त उसके बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे बिना किसी की संरक्षण के, बिना किसी सिरमौर के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव ही नहीं है कि वो छिप जाए। लेकिन कहां पर छिपा हुआ था? क्या वो बंगाल में ही था या फिर देश के दूसरे राज्यों में गया या फिर वो बांग्लादेश चला गया था? इतने दिनों तक वो कहां पर था और वो सामने क्यों नहीं आया? अब ये आप देखिए कि 55 दिन बाद जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है तो कैसे महिलाएं संदेश खाली में जश्न मना रही हैं, कैसे वो खुश हैं। एक आस थी उनके चेहरे पर जब वो आप बीती अपनी बताती हैं, रो पड़ती हैं, हमने देखी। और बकायदा बीजेपी ने तो इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जिसको जारी किया गया था, उसमें महिलाओं का दर्द था, उनकी कहानियां थी, कैसे उनके परिवार को यहाँ पर टॉर्चर किया गया, उनको, अपनों को उनसे दूर किया गया, उनकी जो जमा पूंजी थी, उनके आशियाने थे, उनकी जमीनें थी, उसको हड़पा गया। और ये सब किया शाहजहां शेख ने। आप रसूख देखते, गुंडा ही देखते कि 55 दिनों तक वो फरार था। आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद है। आशिका, महिलाएं जश्न मना रही है लेकिन अब कोर्ट में तो शाहजहां शेख की पेशी हो चुकी है। सवाल ये था है कि 55 दिन तक कहां पर था शाहजहां शेख, किसने राजनीतिक संरक्षण उसको दिया हुआ था? देखिए, ये साफ हो चुका है कि अपने इलाके में ही था शाहजहां शेख और पुलिस जानती थी संभवतः, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। क्योंकि आज जो ADG साउथ बंगाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ ये कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है ईडी के ऊपर कि हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईडी ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि कोर्ट ने SIT पर रोक लगाई थी, शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट के ये कहने के बाद TMC ने दावा किया था 7 दिन के भीतर गिरफ्तारी होगी। 3 से 4 दिन ही बीते हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरें देखिए हम आपको, यहाँ पर संदेश खाली इलाका ही है जहाँ पर मैं हूँ। फिलहाल आपको ये बता दूँ कि शेख शाहजहां को कोर्ट ले जाया गया है, कोर्ट के लॉकअप में ही रखा गया था। जब गिरफ्तारी के बाद ADG ने यह बताया कि कल रात को उनको मेनाखा से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अपने इलाके के पास ही थे। ये जो कयास लगाए जा रहे थे ना कि बांग्लादेश भाग गए हैं, कि संदेश खाली है, साफ है कि इतने दिनों से, 55 दिनों से संदेश खाली में ही छुपे हुए थे शेख शाहजहां और पूरी गतिविधि पर नजर रखे थे।